2011 ईस्वी में परीक्षा में उत्तीर्ण होमगार्ड के जवान शारीरिक परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर जिले के 2011 ईस्वी में परीक्षा में उत्तीर्ण होमगार्ड के जवान शारीरिक परीक्षा के लिए जाने को लेकर लगातार अधिकारियों के पास पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दर्जनों लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास पहुँचे और उन्हें आवेदन देकर जल्द से जल्द शारीरिक परीक्षा आयोजित कराने की गुहार लगाई। इस दौरान अभ्यर्थी विवेक कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले के सैकड़ों लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होमगार्ड के जवान लगातार अधिकारियों के पास शारीरिक परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर चक्कर काट रहे हैं। लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक प्रशासनिक उदासीनता के कारण शारीरिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है, जिससे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आत्मदाह का प्रयास भी किया है। विवेक ठाकुर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जिला प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग का 2011 में होमगार्ड का बहाली निकला था, लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बहाली का बार बार डीएम साहब के पास जाते हैं, कमांडेंट साहब के पास जाते हैं, तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, मौखिक आश्वासन कि बहाली होगी। हम लोग का सर एज एक्सपायर कर चुका है, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कई बार आवेदन भी हम लोग डीएम साहब को भी दिए, कमांडेंट साहब को भी दिए, लेकिन आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है। सर हम लोग परेशान हो चुके हैं, तो कई बार हम लोग आवेदन भी ये भी दे चुके हैं कि अब हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। हमारे कुछ साथी इसे पहले आत्मदाह भी कर चुके हैं, हाथ उनका जल चुका है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के कानों में अभी तक हम लोग की बात नहीं पहुँची है। हम लोग का बहाली कब प्रक्रिया पूरा होगा इसका कौन जवाब देगा? जिला प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरा विभाग का काम नहीं है, अपना कमांडेंट से मिलिए। कमांडेंट साहब कहते हैं डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब जब डेट निर्धारित कर देंगे तब बहाली हो जाएगा। तो अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? बस यही सवाल है, हम किनसे पूछे? कमिश्नर मैडम के पास जाते हैं तो ये मेरा विभाग का नहीं है। कितने वर्षों से ऐसा किया जा रहा है? 10-12 साल हो चुका है, सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। जबकि हाल फिलहाल में सुपौल जिला में भी बहाली हुआ है 2019 में, और हाल फिलहाल में हम लोग के डीजी साहब भी आए हुए थे, वो 2019 में बोले थे कि आप लोग का बहाली छठ पर्व तक में हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, ना ही रोस्टर बना है। इससे पहले हम लोग को आश्वासन दे रहा था कि आप लोग का मार्गदर्शन गृह विभाग से मांगे हैं, वहाँ से मार्गदर्शन आएगा तो बहाली होगा। 1.5 महीना पहले मार्गदर्शन भी आ चुका है, लेकिन इसमें कोई निर्णय, ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे कितने लोग हैं आप? ऐसे 600-700 लोग हैं हम लोग के नज़र में, और पूरे जिला में तो पूरा कंफर्म नहीं है। जो हम लोग के ग्रुप में हैं 500-600 आदमी हैं जो कि अभी भी जागरूक हैं और अपना फिजिकल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 365 दिन। मेरा नाम हुआ विवेक कुमार ठाकुर। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।